साथियों, कांग्रेस और एनसीपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में लंबे समय तक एक साथ शासन किया है, हर काम में भागीदार है। अच्छा हो बुरा हो, अब मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दोनों ने मिलकर के ही किया है। लेकिन इन दोनों दलों की नीति, निष्ठा और नियत में हमेशा खोट रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान मराठावाड़ को भी हुआ है। 2014 से पहले स्थिति ये थी कि योजना मराठावाड़ के लिए बनती थी, नाम मराठावाड़ के लोगों का लिया जाता था, लेकिन विकास मराठावाड़ा का नहीं, सिर्फ कुछ नेताओं का, उनके परिवारों का, उनके सिपाहसालारों का, उनके रिश्तेदारों का, उनके चेले चपाटों का, सिर्फ उन्हीं का भला होता था। मैं सच बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं? मैं सच बता रहा हूं, मेरी बात सही है? मेरी बात सही है? मैं सच बोल रहा हूं? तो ऐसे लोगों को बचने देना क्या है क्या? ऐसी राजनीति चलने देनी चाहिए क्या? साफ कर दोगे ना इस बार? पक्का? पूरी तरह? शाबाश। यही कारण है कि महाराष्ट्र को तीन तीन मुख्यमंत्री देने के बावजूद मराठवाड़ा की स्थिति में खास अंतर नहीं आया। सड़क हो, पानी हो, अस्पताल हो, बिजली हो, ये बुनियादी चीजें, इन बुनियादी सुविधाओं के लिए भी यहां के लोगों को तरसना पड़ा, तरसते रहना पड़ा। भाई बहनों, मुख्यमंत्रियों का क्षेत्र होने के बावजूद यहां से विकास गायब रहा। साथियों, उनके तीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की तुलना, और मैं चुनौती देता हूं, उनके तीन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की चर्चा भाजपा के एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल से कर लीजिए, हम उनसे आगे निकल जाएंगे। भाइयों, और मैं तो देख रहा हूं इस चुनाव में क्या होने वाला है। आपको मालूम है क्या होने वाला है ये इस चुनाव में क्या होगा? क्या मालूम है आपको? क्या लगता है? मैं बताता हूं, वो एनसीपी की घड़ी है ना, घड़ी, उसमें 10 पर एक बड़ा भाई खड़ा है और छोटा भाई दूसरे 10 पे खड़ा है। मतलब कि बड़ा भाई भी 10 सीट लेके आएगा और छोटा भाई भी 10 सीट लेके आएगा। उनकी घड़ी में दिखा दिया है कि 10 सीट बड़े भाई की, 10 सीट छोटे भाई की। इससे आगे बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, आज मराठावाड़ में क्या हो रहा है? आज यहां ग्रामीण सड़कों, स्टेट और नेशनल हाईवे से जुड़े ही करीब 50,000 करोड़ रुपए के काम हो रहे, 50,000 करोड़। संत गजानन महाराज के सेगांव से पंडरपुर को कनेक्ट करने के लिए परतूर से होकर नेशनल हाईवे बन रहा है। भाइयों, मराठवाड़ा में लोड शेडिंग की परेशानी से राहत मिली है। यहां किसान हो या उद्योग, बिजली के कनेक्शन से लेकर बिजली की कीमत तक में राहत मिली है। जालना में ही ड्राई पोर्ट बन रहा है, सीड पार्क बन रहा है, टेक्सटाइल पार्क, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सारी सौगात आज यहां आपके घर में आ रही है। भाइयों, इसके साथ ही
ऑरिक सिटी के माध्यम से इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रही है, जिसका लाभ जालना को भी होने वाला है। एक प्रकार से सुविधा से लेकर युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए यहां अनेक अवसर तैयार हो रहे हैं।